है दोस्तों। मैच था हैदराबाद वर्सेज ईस्ट बंगाल के बीच में, ये मैच काफी तगड़ा हुआ, दोनों टीमों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया आज के मैच में। ईस्ट बंगाल और हैदराबाद ने दोनों ने 4-2-3-1 का फॉर्मेशन खिलाया था, 4-2-3-1 के फॉर्मेशन के साथ टीम खेल रही थी। आज फर्स्ट हाफ में जो सबसे पहला इंसिडेंट हुआ, जिसपे की बैटर्स की बात करें तो यार क्लिंटन सिल्वा ने एक गोल मारा, जो कि मारा था 11 मिनट पे, 11 मिनट पे पहला गोल आया। उसके बाद ऐसा लग रहा था यार कि फर्स्ट हाफ में ईस्ट बंगाल एक आधा और गोल करेगा, बट नहीं, अच्छा डिफेंस हुआ हैदराबाद एफसी की तरफ से। हैदराबाद एफसी ने एक अच्छा काम किया फर्स्ट हाफ में। और फिर सेकेंड हाफ में जब हम आए, जब हम सेकेंड हाफ को देखने आए, क्या सेकेंड हाफ में डेफिनेटली एक अच्छा कमबैक करेगा हैदराबाद एफसी, बट हैदराबाद एफसी से कमबैक तो नहीं हुआ। और हैदराबाद एफसी ने सेकेंड हाफ में भी अच्छा डिफेंस किया, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईस्ट बंगाल ने भी काफी अच्छा डिफेंस किया। लास्ट मैच जैसे आप हारे हो 3-2 से, उसके रिस्पेक्ट में तो काफी अच्छा खेली आज ईस्ट बंगाल। और हैदराबाद एफसी को 2 रेड कार्ड मिले, जो कि लास्ट मिनट्स में मिले, जो कि 90+ टाइम के दौरान मिले। तो आपको एलेक्स सैजी की सैजी को मिला, और दूसरा रेड कार्ड मिला जाया विक्टर को। तो दोस्तों ये 2 रेड कार्ड मिले आज टीम को, और इसी के साथ में ये दोनों प्लेयर्स आपको नेक्स्ट मैच में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आप हैदराबाद एफसी से बात करें, दोनों प्लेयर्स आपको नहीं दिखाई देंगे अब अगले मैच में। बट अच्छा गेम अच्छा हुआ, क्योंकि यार मैं बताऊँ कि यार ईस्ट बंगाल ने मैच जीता, ईस्ट बंगाल ने 2-1 से मैच जीता, काफी अच्छा मैच रहा। एक बार स्टेट्स की बात कर ली, मैच में क्या क्या रहा, तो टोटल शूट्स हुए मैच में वो 11 शूट्स आए हैदराबाद एफसी की तरफ से, 13 शूट्स आए आपके ईस्ट बंगाल की तरफ से, 3-3 शूट ऑन टारगेट दोनों टीमों की तरफ से आए थे। 51% पोजीशन था जो कि हैदराबाद एफसी के पास था, और 49% पोजीशन ईस्ट बंगाल लेके चला था इस मैच में। पासेस की बात करें, 369 पासेस आए हैदराबाद एफसी से, और 368 पासेस आए ईस्ट बंगाल की तरफ से, और 75-75% पैसेज एक्यूरेसी से दोनों टीमों की तरफ से। 10 फाउल हुए हैदराबाद एफसी से, और 11 फाउल हुए ईस्ट बंगाल से इस मैच में, और येलो कार्ड 3 आए जो कि ईस्ट बंगाल को आए, तीनों के तीनों येलो कार्ड। और कॉर्नर की बात करें, 3 आए हैदराबाद एफसी से, 9 कॉर्नर आए ईस्ट बंगाल को। तो ये था मैच का लेखा जोखा, मैच में काफी इंजॉयमेंट किया हमने, काफी मजेदार मजेदार मैच था। वी इंजॉय लॉट्स दिस मैच, और होपफुली अगेन नेक्स्ट मैचेस में भी ऐसे इंजॉयमेंट बना रहे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कल भी आप हमारे से जुड़े, कल मुंबई सिटी एफसी वर्सेस बेंगलोर एफसी का मैच आपके वॉच अलोंग करेंगे, शाम को 7:30 आपके उस मैच में जुड़ जाएंगे, उस मैच में बातें करेंगे आप लोगों के साथ में, और होपफुली आप लोग भी हमारे से जुड़ोगे उस मैच में। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस मैच, एंड होपफुली यू इंजॉय दिस मैच अलोंग विद अस। एंड सॉरी दोस्तों अगर कुछ मिस हुआ हो तो, और मिलेंगे आपसे कल शाम को अगेन। थैंक यू ऑल, थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग अस फॉर दिस मैच। बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।